कोरोना महामारी के बीच बेड की किल्लत को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर कोविड सेंटर की शुरुआत हो रही है। ये तस्वीरें कहानी बयां कर रही हैं कि किस तरह देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना से जंग जीतने की तैयारी तेज हो चली है। दिल्ली, राजस्थान और एमपी में सरकार के साथ मिलकर ये कोविड सेंटर राधा स्वामी सत्संग संस्थान ने बनाए हैं। देश भर में कोरोना मामलों की बढ़ोतरी के साथ अस्पताल में बेड और ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए राधा स्वामी संस्थान ने अपने सत्संग परिवार में कोविड सेंटर बनाने का इंतजाम किया है। मैं जयपुर से तकरीबन 30 किलोमीटर दूर बीलवा गांव में राधा स्वामी सत्संग भवन में खड़ा हूं। आप ठीक मेरे पीछे देख सकते हैं, ये लंबा चौड़ा परिसर है जो आम दिनों में सत्संग के काम में लिया जाता है। यहां पर अगर बैठक क्षमता की बात की जाए तो तकरीबन 5 से 8 हजार लोग एक साथ बैठ सकते हैं और ये पूरा का पूरा कवर्ड एरिया है। अब जयपुर विकास प्राधिकरण और जिला प्रशासन ने यह तय किया है कि इसको कोविड केयर सेंटर के रूप में तब्दील किया जाएगा। दिल्ली और राजस्थान में आज से इन कोविड सेंटर की शुरुआत हो रही है। दिल्ली में 1000 ऑक्सीजन बेड का कोविड सेंटर बनाया गया है। राधा स्वामी सत्संग व्यास में सरदार पटेल कोविड सेंटर आज से शुरू होगा। राजस्थान के जयपुर में 5000 बेड का कोविड केयर सेंटर बनाया जा रहा है। आज से शुरू हो रहे इस कोविड सेंटर में पहले चरण के लिए 500 मेडिकल सर्जिकल यूनिट बेड तैयार किए गए हैं। अस्पतालों पर बढ़ते कोरोना मरीजों के बोझ को कम करने के लिए प्रशासन और राधा स्वामी सत्संग ने मिलकर कोविड सेंटर बनाए हैं। ABP News, आपको रखे आगे।